नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल गिरिनक्ष में। दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जो आपको लगाना ज़रूरी होता है और आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही प्यारा होता है ये दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत नॉलेज की बात मैं आज आपको बताऊँगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। दोस्तों, ये पत्थर चट्टा का पेड़ है और ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी फ़ायदा यह है इसका कि इसको खाने से पेट में पथरी का जो रोग होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप जो है डेली एक पत्ती खाइए और इसको जो है इसका एक पत्तियों से भी पेड़ बनाया जा सकता है और ये हमारे घरों में बहुत लाभदायक होता है सेहत के लिए। लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं और अपनी पथरी का इलाज करवाने के लिए परेशान रहते हैं कि उनका ऑपरेशन होगा। इसको आप खाइए और इससे आपका दूर हो जाएगा पथरी पेट का, और साथ में पानी पीजिए ठंडा। दोस्तों, इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं, इसको अजूबा भी बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नाम ब्रायोफाइलम, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में हर्बेरियम फाइल बनाते वक्त इसका जो है यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये है लेमन ग्रास। नाम से इसके आपको पता चल गया होगा कि इसमें नींबू की खुशबू वाला पेड़ है। ये पत्तों से काढ़ा चाय बनता है, बहुत ही खुशबू और टेस्टी होता है। लेमन ग्रास के पत्ते सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इस पेड़ के लगने से आपके घरों में मच्छर नहीं आते हैं और इसको कटिंग से भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इसकी बगल से छोटे बेबी पेड़ निकलते रहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों पेपरमिंट। ये पुदीना की तरह होता है, पत्तों में इसकी बहुत खुशबू होती है, पत्तों से इसके तेल बनता है। इसका इस्तेमाल तेल और टूथपेस्ट बनने में किया जाता है, हर्बल में भी होता है। ये कटिंग से लग जाता है। इसका एक पत्ता आप चबा लेंगे तो आपका पूरा मुँह फ्रेश हो जाएगा और ये बहुत प्यारा पेड़ होता है। दोस्तों ये देखिए, ये है तुलसी और ये प्रायः हर घरों में पाई जाती है और ये राम तुलसी है यानी हरी वाली, श्याम भी होती है और उसको वो लाल पत्ती की होती है। और इसके ये फ़ायदे हैं कि इसको बीज से इसके ये ऐसे खींच कर इसको इसमें डाल देंगे तो इसमें ढेर सारे पेड़ निकल आएंगे, बारिश का मौसम है भी। और इसकी एक दो पत्तियाँ खाने से आपका खून साफ होता है और इसके खासियत यह है कि ये काढ़ा और चाय में भी बहुत टेस्टी माना गया है इसको, जिसको जुकाम सर्दी होता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये देखिए, ये श्याम मेहंदी है यानी लाल वाली, इसको भी आप उसी तरह केयर कर सकते हैं, बहुत ही केयरलेस होता है ये पेड़। आप एक बार लगा कर छोड़ दीजिए और आपके घरों में बढ़ते रहेंगे और ये जो है इसके बीच से ये पेड़ छोटे छोटे मानसून में अपने आपको दिखेंगे हर गमलों में। बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है ये भी, बहुत महकता है आपकी बगिया, इससे मेहंदी ज़रूर लगाइए। रोज़ मेहंदी दोस्तों, इसको गुल मेहंदी भी बोलते हैं रोज़मेरी को, और पत्तों को खाने में यूज़ किया जाता है इसको। इसकी मीठी मीठी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है दोस्तों। ये कटिंग से भी लग जाते हैं और ये सीड से भी लग जाते हैं। इसके छोटे छोटे जो है पेड़ बनाइए और अपने घरों में लगाइए। दोस्तों ये एलोवेरा का पेड़ है और यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हर्बल में और औषधि में बहुत यूज़ होता है और इसका जेल जो है पिया जाता है और इसको जो है स्टेम कटिंग के प्रोपगेशन में भी यूज़ होता है इसका, एलोवेरा का। और ये प्रायः जो है एक कल डंडी इसकी जो पत्ती से इसको लगा दीजिए, इसमें जड़ निकल आता है और इसको पानी बहुत कम चाहिए। ये मरुस्थली पेड़ होता है और इसको यूज़ करने से बहुत से रोग दूर होते हैं भाई। चेहरे पे जो है सुंदरता आती है, स्किन टाइट होती है, चेहरे की झुर्री दूर होती है। ये एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छा पेड़ माना गया है हर्बल में। और इस पेड़ को, ये केयरलेस पेड़ है, आप लगा दीजिए और इसको देखिए भी मत पलट कर, और ये फर्स्ट क्लास चलता रहता है। और आप इसका जो है उपयोग अपने खाने में ज़रूर करें,
इसको पीजिए, हफ्ते में कम से कम एक दिन ज़रूर पीजिए। ये देखिए मैंने बहुत से एलोवेरा लगाए हुए हैं, इधर भी है उधर भी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों में अपने शेयर करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल ग्रीन एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं आपको एक से एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करता रहूँगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद दोस्तों।